यार, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं संतोष प्रताप, महागठबंधन का संयोजक बलिया का। जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो लोकसभा चुनाव के मुद्दा उठा हुआ है, कल फैसला आने वाली है, क्या ये लोग ईमानदारी से रिजल्ट देंगे या फिर बेईमानी उस पर बेईमानी पर तुले हुए लोग? देखिए, जैसे आपने जो सवाल पूछा है, बड़ा ही अहम सवाल है और ये देश की जनता जान रही है, समझ रही है कि जो सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने अपने जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको हर वार्ड में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में वोट कटवाने का काम किया है। जिनको उन्होंने चिन्हित किया था कि ये हमारे विपक्ष का वोट है, इसको उन्होंने BLO के द्वारा वोट को कटवा दिया ताकि वोट दे ना पाए। दूसरी तरफ जहां इनको ये लगा कि बेईमानी किया जा सकता है, वहां उन्होंने DM को भी बदला, SHO को भी बदला, कई सारे अधिकारियों को बदला और बलिया में, खासकर बैरिया में रिगिंग की कई सारी सूचनाएं आई। फिर इन्होंने जहां गठबंधन का उम्मीदवार मजबूत है वहां इन्होंने EVM मशीनें खराब कर दी, इससे चुनाव 2-4-5 घंटे के लिए प्रभावित हुआ। तो विभिन्न तरीकों से इन्होंने चुनाव को अपने फेवर में करने का प्रयास किया। और अभी आप 2-4 दिन से सुन रहे होंगे कि चुनाव आयोग भी जो है नियम में फेरबदल करके कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर रहा है। जो आंकड़े वो रिकॉर्ड कर रहा है वो आंकड़े चुनाव से ज़्यादा के आंकड़े हैं। यानी अगर वो चुनाव में, अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में या किसी जिले में अगर 50% मतदान हुआ है तो उन आंकड़ों को चुनाव आयोग अपने रिकॉर्ड के अंदर 54 या 55% दिखा रहा है और जिसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि होम मिनिस्ट्री से 1.5 से 2 हज़ार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको फ़ोन किया गया सरकार के होम मिनिस्ट्री द्वारा कि चुनाव में जो भी रिजल्ट आए लेकिन उसका फैसला, उसका सर्टिफिकेट BJP के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। तो ऐसे नाना तरह की चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं और मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज नहीं तो कल जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद आवारा हो जाए तो सड़क पे ही जनता को उतर के फैसला देना पड़ता है। ऐसे में तो अभी मैंने आज सुना किसी के मुंह से, भाजपा के कार्यकर्ता था, वो बोला कि नीरज शेखर जो जीत गए हैं उनके लिए कल मिठाई बांटा जाएगा सुबह 7-8 बजे बीच में। अब देखिए क्या इतना ये सुनने में आ रहा है कि जितना कॉन्फिडेंस के साथ ये 401 एग्जिट पोल के माध्यम से बता रहे हैं, जिस तरह से शुरू से इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में ये संदेह है कि हो सकता है इन्होंने EVM मशीन को मैनेज कर लिया हो सकता है इन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया हो सकता है इन्होंने आंकड़ों में हेर फेर किया हो। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप पहले से कहीं ना कहीं गुड़ा गणित करके रखते हैं, गलत काम करके रखते हैं। जी, धन्यवाद।